Hello Bachcho, let's read the question. So the question says X and Y are two volatile liquids with molecular weights of ten gram per mole and 40 gram per mole respectively. Two cotton plugs, one soaked in X and the other soaked in Y are simultaneously placed at the ends of a tube of length L is equal to 24 cm, as shown in the figure. The tube is filled with an inert gas at one atm, a pressure and a temperature of 300 Kelvin. Papers of X and Y react to form a product which is first observed at a distance d cm from the plug soaked in X take x and y have equal molecular diameters and assume ideal behavior for the inert gas and the two vapors the value of d in centimeter shown in the figure as estimated from graham's law is we have option a 8 option b 12 option c 16 option d 20 so the key concept is key concept is graham's ठीक है देखो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हम ये कह सकते हैं कि जो रेट होता है रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ ए गैस ठीक है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस ठीक है एंड फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस ठीक है सो so, देखो अगर हम डायग्राम देखते हैं अपना ठीक है फ्रॉम द डायग्राम फॉर एक्स ठीक है फॉर एक्स अगर हम देखते हैं कॉटन वूल सोक्ड इन एक्स हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा डिस्टेंस डी हो जाता है एंड फॉर वाई क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी फोर माइनस डी हो जाएगा बिकॉज देखो पूरी लेंथ कितनी गिवन है ट्वेंटी फोर गीवन है ठीक है सो फॉर एक्स फॉर एक्स हमारा डिस्टेंस डी हो जाता है एंड फॉर वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा एल माइनस डी ठीक है एल माइनस डी डेट इज हमारा हो जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस डी इतना क्लियर है तो फ्रॉम हेयर मैं ये एक ये लिख सकती हूँ डैट डी डी विल बी अगर मैं इसको मान लेती हूँ डी ठीक है तो डी विल बी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास दिस इज फॉर एक्स

फोर्टी ठीक है इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड ठीक है वी विल डिवाइड इक्वेशन वन बाय सेकेंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ठीक है क्वेश्चन में डी की वैल्यू फाइंड करनी है सो so, यहां से हमारा कितना हो जाएगा डी अपॉन ये जाएगा ट्वेंटी फोर माइनस डी एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी अपॉन अंडर रूट टेन ठीक है सो फर्दर क्या लिख सकते हैं डी अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस डी बी इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी अपॉन टेन लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास डी अपॉन ट्वेंटी फोर माइनस डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट फोर मतलब टू हो जाता है सो तो यहाँ से, मतलब so से हमारा क्या आ जाता है यहाँ से हमारा आ जाता है डी विल बी इक्वल टू फोर्टी एट माइनस टू डी ठीक है सो फर्दर डी प्लस टू डी हो जाएगा डी विल बी इक्वल टू फोर्टी एट डिवाइडेड बाई थ्री 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 सिक्स कितना आ जाता है सिक्सटीन सेंटीमीटर ठीक है सो so, so, अपना ऑप्शन चेक करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक